किसानों के आंदोलन को लेकर कंगना की जो राय है वो लोगों को पसंद नहीं आ रही। कल दादी को लेकर भी जो उन्होंने ट्वीट किया, हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया कि दो दादियों की तस्वीरें एक नेटिजन ने शेयर की, जिसके बाद कंगना ने उसे रीट्वीट करते हुए लिखा कि वही दादी है जो टाइम मैगजीन में मोस्ट पावरफुल में शामिल हुई थी और अब ये 100 रुपये में उपलब्ध है। हालांकि उसके बाद कंगना ने वो ट्वीट डिलीट किया, लेकिन उसके बाद जो है सोशल मीडिया पर दादी से माफी मांग कंगना ये हैशटैग ट्रेंड हुआ। अब किसानों को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर जिस तरीके से कंगना की राय है, अब हिमांशी ने उन्हें फटकार लगाई है। हिमांशी खुराना ने दरअसल उन्हें लिखा है कि आप में और बॉलीवुड में अब क्या फर्क रह गया है। एक आर्टिकल है जिसमें ये बताया गया कि जो फार्मर प्रोटेस्ट में एक शख्स शामिल हुआ है, खालिस्तान सपोर्टर पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू इज प्रिटेंडिंग टू अ फार्मर। तो इस तरह की एक रिपोर्ट आई कि इन सारी चीज़ों में जो है पंजाबी एक्टर, खालिस्तान सपोर्टर पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू जो है शामिल हुआ है और वो खुद को फार्मर बता रहा है। जब ये आर्टिकल आया तो उसको शेयर करते हुए कंगना ने लिखा, शेम इन द नेम ऑफ फार्मर्स, हर कोई अपनी रोटियां सेक रहा है। होपफुली गवर्नमेंट वॉन्ट अलाउ एंटी नेशनल एलिमेंट्स टू टेक एडवांटेज एंड क्रिएट अनदर शाहीन बाग राइट्स फॉर ब्लड थर्स्टी वल्चर्स एंड टुकड़े गैंग। तो जब उन्होंने ये बात लिखी तो उस पर रिप्लाई करते हुए पंजाबी एक्ट्रेस हिमांशी खुराना ने लिखा, चलो अब डिफरेंस नहीं रहा आप में और बॉलीवुड में, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग आपके साथ गलत हुआ था तो शायद आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाती फार्मर्स से। आप सभी जानते हैं कि हिमांशी खुराना जो है इस पूरे आंदोलन में किसानों को सपोर्ट कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि आपके साथ गलत हुआ था, तब आपको रियलाइज़ हुआ था ना कि आपके साथ क्या हुआ है, तो क्या आप किसानों के साथ कनेक्ट नहीं कर सकती कि किसानों के साथ क्या हो रहा है। चलिए वो गलत ही सही, बट ये सब डिक्टेटरशिप से कम नहीं, लेकिन जो किसानों के साथ हो रहा है क्या वो डिक्टेटरशिप नहीं है। तो ये बात जो है हिमांशी खुराना ने उठाई है और कंगना को जवाब दिया है कि आपके साथ गलत होता है तब आपको तकलीफ होती है, लेकिन जब किसानों के साथ गलत हुआ तो आपको तकलीफ नहीं हो रही, आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रही। चलिए अगर आपको लगता है सही या गलत की हम बात ही नहीं करते हैं, वो कहती हैं लेकिन जो उनके साथ हो रहा है क्या वो डिक्टेटरशिप नहीं है। तो इस बात को लेकर हिमांशी ने कंगना को जवाब दिया है। तो आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा।